आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास गूगल पे IDM एक्सटेंशन शो नहीं हो रही तो इसका क्या सलूशन है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। सबसे पहले आपने चेक कर लेना है यहाँ पे थ्री डोर्स पे जाके एक्सटेंशंस में, और यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपके पास IDM एक्सटेंशन शो हो रही है या नहीं हो रही। तो मेरे पास यहाँ पे IDM एक्सटेंशन शो नहीं हो रही, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाऊंगा। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगा IDM नॉट शोइंग इन क्रोम। तो यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट आ रही है IDM एक्सटेंशन इज़ नॉट शोन इन क्रोम एक्सटेंशन लिस्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे चले जाना है। नीचे चले जाने के बाद ये जो आपके पास लिंक आ रहा है इसको आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये आ गया IDM इंटीग्रेशन मॉड्यूल, इसको आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन करेंगे। ऐड एक्सटेंशन करने के बाद ये आपके पास यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, और ये देखें यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक्सटेंशन फॉर गूगल क्रोम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो ये आपके पास इंस्टॉल्ड हो गया है, तो आपने इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद अगेन आपने यहाँ पे थ्री डोर्स पे आके चेक कर लेना है कि क्या वाकई में आपके पास एक्सटेंशन ऐड हो गई है या नहीं। तो ये देखें यहाँ पे IDM इंटीग्रेशन मॉड्यूल जो है ये आपके पास एक्सटेंशन ऐड हो गई है। तो अब आप यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स या जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स वगैरह डाउनलोड करने हैं, या कोई भी इस तरह की फाइल डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं ईजिली। तो ये इसका सिंपल सा मेथड था। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकअल्लाह।